नमस्कार। हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। सिरमौर में मां बेटी व कांगड़ा में युवती पाई गई कोरोना पॉजिटिव, 70 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में खुल सकते हैं 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूल। पीटीए पैरा और पैट के नियमितीकरण को कवायद शुरू, जल्द कैबिनेट में जाएगा मामला। घर जाने की मजबूरी, बस में 600 रुपए किराया देकर पठानकोट गए प्रवासी मजदूर। एपीएल परिवारों को सस्ते राशन से बाहर करने के निर्णय पर वीरभद्र नाराज। अब घर बैठे कीटनाशकों की खरीद और ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे किसान बागवान। बाहरी राज्यों में फंसे 1 लाख से अधिक हिमाचली लौटे घर, 60,000 और आना चाहते हैं वापस। कांगड़ा लौटे होम क्वारंटाइन किए लोग, वापस जाकर कुछ शर्तों के साथ कर सकते हैं ड्यूटी। सऊदी अरब में कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक की मदद के लिए अनुराग ठाकुर ने विदेश राज्य मंत्री को लिखा पत्र। कुल्लू के कसौल के पास सड़क पर मिला व्यक्ति का कटा हुआ सिर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 3 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसमें 2 सिरमौर व 1 कांगड़ा जिला से संबंधित है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब की हरिओम कॉलोनी में एक माँ व 7 साल की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली रेड जोन से लौटी माँ बेटी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने सिविल अस्पताल सराहा में बनाए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में शिफ्ट करवा दिया है, जबकि महिला के पति व बेटे को भी यहीं पर आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। उधर कांगड़ा के निकट घुरखड़ी में कोरोना पॉजिटिव पाई गई युवती कुछ दिन पहले मुंबई से लौटी थी। महिला का कोविड-19 सैंपल टांडा अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवती मुंबई में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। वे 9 मई से अपने घर में क्वारंटाइन थी। इसके साथ ही प्रदेश में अब कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 29 पहुंच गई है। राज्य में अब तक 70 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। कोरोना से 2 की मौत हुई है, 35 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 31 मई तक स्कूल और कॉलेज के खुलने की संभावना नहीं है। स्कूलों का खोलना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है। हिमाचल में कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्लानिंग भी है, 20 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की पालना के साथ शिक्षा के लिए खोल दिया जाए। इससे ऊपर संख्या वाले स्कूल जब भी खोले जाएं, तब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। एक दिन आधा कक्षाओं और दूसरे दिन आधी कक्षाओं की पढ़ाई हो। अगर संख्या और भी ज्यादा होती है तो 2 शिफ्ट में भी पढ़ाई शुरू की जा सकती है। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाई हो। इसके अलावा फिजिकल कंटेंट की खेले ना होकर बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि की खेले हों। उन्होंने कहा कि इस बाबत पिछले कल हुई कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। लॉकडाउन 4 से पहले कोई निर्णय ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब पीटीए पैरा और पैट के नियमितीकरण को लेकर कदम ताल शुरू हो गई है। जल्द मामला कैबिनेट में चर्चा के लिए जाएगा। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आज डायरेक्टर एजुकेशन को केस बनाने के लिए कहा है, कैसे इन्हें रेगुलर किया जा सकता है, इसकी प्रस्तावना बनाई जाए। पूरा केस बनाने के बाद निकट भविष्य में मामला कैबिनेट में ले जाया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जयराम सरकार ने पीटीए को राहत देते हुए 2018 में रेगुलर स्केल दे दिया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। पीटीए पैरा और पैट की नियुक्ति को चुनौती दी गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन टीचर का पक्ष लिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अब इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होनी है। लॉकडाउन के चलते लंबे अरसे से धर्मशाला में फंसे प्रवासी मजदूरों की बेबसी और निजी बस ऑपरेटरों की मजबूरी यहां देखने को मिली है। कोरोना की मार देखें, घर जाने की लालसा के चलते प्रवासी मजदूरों को बस में प्रति व्यक्ति 600 रुपए किराया अदा करना पड़ा। वहीं ज्यादा किराया वसूल करना, कोरोना संकट के चलते ज्यादा सवारियां नहीं बिठा पाने के चलते प्राइवेट बस ऑपरेटर की मजबूरी है। करीब 1.5 माह से सरकारी और निजी बसें नहीं चल रही हैं। ऐसे में HRTC सहित प्राइवेट बस चालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने प्राइवेट बसों को स्पेशल रोड टैक्स सहित अन्य टैक्सों में छूट दी है, ताकि संकट में बस ऑपरेटरों को राहत मिल सके। धर्मशाला से आज भी एक निजी बस धर्मशाला में फंसे छत्तीसगढ़ के 26 मजदूरों को छोड़ने पठानकोट तक गई। प्रति मजदूर 600 रुपया किराया लिया गया है। हालांकि धर्मशाला से पठानकोट का करीब 160 रुपए लगते हैं, लेकिन कोरोना के इस संकट में बस में 26 से ज्यादा सवारियां नहीं बिठाई जा सकती हैं। ऐसे में प्रति मजदूर किराया 600 रुपए लिया जा रहा है।
पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों को सब्सिडी के सस्ते राशन से बाहर करने के निर्णय पर हैरानी जताते हुए कहा है कि इस निर्णय से आम लोगों के जीवन पर विपरीत और व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज देश आर्थिक मंदी के साथ साथ कोरोना महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में बढ़ती महंगाई से आम लोगों को राहत दी जानी चाहिए, न कि उन पर महंगाई थोपनी चाहिए। वीरभद्र ने कहा कि प्रदेश में आधे से ज्यादा लोग मिडिल क्लास परिवार के ही हैं। लोग खेती बाड़ी या बागवानी या फिर छोटा मोटा कारोबार करके अपना व परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई व प्रदेश के लोगों की आर्थिकी को देखकर ही डिपुओं के माध्यम से सस्ते अनाज देने की एक बड़ी व्यवस्था शुरू की थी। इसके लिए उनकी सरकार ने हमेशा ही उचित बजट का प्रावधान भी किया, पर आज ये व्यवस्था कहीं न कहीं टूटती सी नजर आई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। किसान बागवान अब कीटनाशकों की खरीद, पौधों की मांग या सब्सिडी व अन्य सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने आज विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत ई उद्यान पोर्टल तथा इसी पोर्टल का मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से उद्यान विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया गया है। इस पोर्टल में बागवानी संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी किसानों तथा अन्य हितधारकों को आसानी से उपलब्ध होगी। इस व्यवस्था से लाभार्थियों को फलों की नर्सरी का रजिस्ट्रेशन, पौधों की मांग, बागवानी से संबंधित औजार इत्यादि की मांग, कीटनाशकों की खरीद, कुंभ के लिए कंपोस्ट की मांग, मधुमक्खी छत्तों की मांग, सब्सिडी इत्यादि बागवानी क्षेत्र की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए 1,00,000 से अधिक हिमाचलवासी राज्य में वापस लौट आए हैं और कोरोना वायरस के दृष्टिगत लगभग 60,000 और लोगों ने राज्य में वापस आने की इच्छा जताई है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज यहां मंडी और कुल्लू जिला के पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कही। जयराम ने कहा कि सरकार ने रेड जोन से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखने का निर्णय लिया है, लेकिन ग्रीन व ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों में भी कोरोना संक्रमण होने की संभावना है। ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, इसलिए ये जरूरी है कि नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। बाहरी राज्यों या हिमाचल के अन्य जिलों से कांगड़ा लौटे होम क्वारंटाइन किए गए लोग अगर दोबारा वापस जाकर ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पास लेकर जा सकते हैं। ये जानकारी एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने दी है। एसपी कांगड़ा ने कहा कि अगर कोई बाहरी राज्य या जिला से आया है और होम क्वारंटाइन में है, लंबे समय के लिए वापस जाना चाहते हैं, वे पास लेकर जा सकते हैं। ऐसे लोग अपने वाहन में जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आज जाएं और 2-4 दिन बाद वापस आना चाहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर चले गए तो फिर जल्दी आना मुश्किल है। सऊदी अरब में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल की मंडप उप तहसील निवासी युवक की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। अपने गृह संसदीय क्षेत्र के युवक की मदद के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को चिट्ठी लिखकर युवक को वापस अपने वतन लाने की मांग उठाई है। मंडी जिला का धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत आता है, जहां के सांसद अनुराग ठाकुर है। वहीं धर्मपुर के विधायक एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और उनके पुत्र
भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर भी युवक की मदद के लिए आगे आए हैं। इन्होंने सीएम जयराम को सारी स्थिति से अवगत करवाया, जिसके बाद सीएम ने विदेश मंत्रालय से बात करके युवक की हर संभव मदद करने की मांग उठाई है। धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकरण के कसौल के पास एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला है, जबकि धड़ जंगल में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश में पुलिस जंगल में पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सड़क किनारे पड़े कटे हुए सिर को अपने कब्जे में ले लिया है और इसकी जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने कटा हुआ सिर अपने कब्जे में ले लिया है। सिर किसी युवा का प्रतीत हो रहा है। धड़ भी जंगल में पुलिस ने बरामद कर लिया है, जो क्षत विक्षत हालत में है। इसकी जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जो घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच करेगी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।